आज ही पदभार ग्रहण किया है और आगामी एक दो दिनों के अंदर जो है हम इस पर पूरी सभी अधिकारियों से चर्चा करके इस पे जो भी कार्ययोजना अच्छी बनेगी उस पर हम बना करके अमल करेंगे। आज भी हमने एक बैठक रखी है, उसमें खंड स्तरीय अधिकारियों की, इसमें 1-to-1 हम सभी से चर्चा करेंगे। कोरोना पे तो हमें फोकस करना ही है क्योंकि ये तो बहुत गंभीर बीमारी है। इसके साथ ही मेरा जो यहाँ प्रायोरिटी रहेगी, जन सामान्य की जो समस्याएं या शिकायतें होती हैं उनका निराकरण हम तेजी से करेंगे। शासन की जो भी योजनाएं आती हैं उनको धरातल पर भलीभांति लागू हों और उसका लाभ आम जन तक पहुंचे, इसमें भी हम प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ पे काम करने के लिए काफ़ी कुछ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, काम करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। इन सब पर भी हम फोकस करेंगे। साथ ही हमारे राजस्व संबंधी जो भी कार्य है, काफ़ी हद तक मुझे जानकारी मिली है कि अच्छा काम हो रहा है, इस पर और बेहतर हो इस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे। कानून व्यवस्था बेहतर रहे इसमें भी हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इसी प्रकार यहाँ के आम जन के लिए जो कुछ हम नवाचार कर सकते हैं, कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, उस पर हम लोग सामूहिक तौर पर सब इकट्ठे होकर के तय करके और आप सभी के सहयोग से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम डीएन सिंह, मैं संयुक्त कलेक्टर के पद पर पदस्थ था और अभी इससे पूर्व एसडीएम सोंडवा था और आज से मेरी पदस्थापना एज एसडीएम जोबट हुई है और मैंने आज ही पदभार ग्रहण किया है। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।